मैं कम इन सर गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग टेक अ सीट बैठ जाए थैंक यू सर साक्षी यस yes, सर आपने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी लेके यस yes, ये पास कोर्स या ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस सर ग्रेजुएशन किया है हां रेगुलर अच्छा रेगुलर ग्रेजुएशन नहीं किया है है अभी अभी मैं कर रही हूं, हिस्ट्रीस एमे। हिस्ट्रीस एमे कर रही रही हिस्ट्री हिस्ट्री तो आप पॉलिटिकल साइंस का, का अध्ययन yes, किया तो जो भी सब्जेक्ट कॉलेज में अवेलेबल थे वो ले लिया ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल स्टार्ट की तो मुझे हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ऐसा भी लगा कि फर्स्ट पेपर में जीएस फर्स्ट पेपर में फिफ्टी परसेंट कवर हो जाएगा और जो मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं वो सेकंड पेपर में हेल्पफुल हो जाएंगे अच्छा ये अच्छा यही सब देखते हुए मैंने हिस्ट्री ऑप्ट किया हिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है आपको इंडियन हिस्ट्री की बात अगर हम करें कौन सा पीरियड आपको ज्यादा अच्छा लगता है सर इंडियन हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट सर ऐसी कौन सी स्टोरी है इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है सर जिस तरह से हमारे देश में पहले उग्रवाद फिर उदारवाद फिर गांधी जी ने अंग्रेजों का मुकाबला किया रणनीति बनाई गांधी जी की जो रणनीति रही और जिस तरह से पूरे देश ने सहभागिता की ये सब चीज़ें देख के बहुत ही एनर्जी आती है और अच्छा लगता है पढ़ के मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट हो जाते हैं तो जो भी आपने टेक अवेज है जो इंस्पायर्ड हो के जो भी आपने सीखा है समझा है उसका कैसे उपयोग करेंगी आप अपने जीवन में सर इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट से सर इंडियन नेशनल मूवमेंट से मैंने ये सीखा है कि हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और हमें हमेशा सबको साथ लेकर ही चलना होगा अगर कभी भी हम किसी एक पक्ष में जाते हैं या वोट बैंक राजनीति इन सब के चलते किसी एक धर्म का आ, सपोर्ट करते हैं तो उसके परिणाम गलत आते हैं इसीलिए हमेशा सोसाइटी के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा दूसरा मैंने ये सीखा है कि पीपल पार्टिसिपेशन बहुत रिक्वायर्ड है तो एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा जब भी कुछ भी काम करूंगी मैं कोशिश करूंगी कि रोल ऑफ पीपल हमेशा इम्पॉर्टेंट हो उनका फीडबैक लेती रहूंगी और इसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज में चेंज करती रहूंगी तीसरा मैंने ये सीखा है कि महिलाओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि वुमेन इक्वेलिटी हो वुमेन भी आगे आके अपना रोल पूरा करें वुमेन इक्वालिटी से आप क्या मीन करती हैं जब आप कह रही हैं वुमेन इक्वालिटी हो सर वुमेन इक्वालिटी से मेरा मतलब है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल हर क्षेत्र में उन्हें बराबर का अधिकार मिले न ज्यादा न कम अगर वो किसी चीज की योग्यता रखती हैं तो उनको अवसर मिले ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फीमेल हैं इसलिए उन्हें रोक दिया जाए संविधान ने तो दिया हुआ है इक्वालिटी का राइट सर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है लेकिन हमारा सोशल माइंड सेट पैट्रिया बन गया है जिस वजह से काफी उनके लिए सेक्टर्स लिमिटेड कर दिए गए हैं चीज नहीं होनी चाहिए मान लिया जाए आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया जाता है आप यूपी की रहने वाली है ना यस सर यूपी के किसी जिले में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है यस yes, सर पहला पहली बात आपने की कि आप चाहेंगे कि कॉम्यूनल हारमोनी बनी रहे yes, वोट बैंक पॉलिटिक्स में हम लोग ना पड़े और एक ही दिन आपको हिंदू समाज आता है आपके पास कहता है कि साहब हमें रामनवमी का जुलूस निकालना है मुस्लिम समाज आता है आपके पास कि साहब हमें आज तजिया निकालना है और एक ही रूट से निकालना है हमें एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप क्या करेंगी सर यहाँ पे दोनों दलों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि दोनों ही अपने अपने धर्म को एक तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसके लिए मैं उनके लीडर जो भी होंगे उनसे बात करूंगी कि वो एक ही जगह से निकालना या तो वो अलग अलग रास्ते छुनने बट अगर उनकी जिद है कि एक ही जगह से निकालना है तो टाइम में थोड़ा सा अंतर कर दिया जाए जिससे दोनों सद्भावना से अपना काम कर सके अच्छा आपने अपने हॉबीज में घूमर डांस की जिक्र की है आपने ये क्या होता है घूमर डांस सर घूमर डांस एक राजस्थानी फोक डांस है जिसमें कुछ विशेष तरह के सॉन्ग होते हैं जैसे घूमर रमवाने सा टूटे बाल इस तरह के सॉन्ग्स पे डांस किया जाता है और इसमें परंपरागत ड्रेस पहनी जाती है लहंगा चुन्नी और ट्रेडिशनल रूप से जब घूमर किया जाता था तो एक ट्रांसपेरेंट घूंघट भी लिया जाता था घूमर कब की शुरुआत कब हुई थी और क्यों किया जाता था सर इसकी शुरुआत भील जनजाति से ही मानी जाती है कि वो अपने समुदाय में खुशी के जब भी अवसर होते थे जैसे किसी का जन्मदिन होता था या किसी की सालगिरह होती थी फसल कटाई होती थी तब घूमर के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करते थे और आगे ये राजस्थान में फैल गया इसके बाद पास के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश गुजरात में भी काफी अच्छे से किया जाता है हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्शियल मूवी बनी थी हिंदी सिनेमा बनी थी सर जिसमें कि काफी कंट्रोवर्सी भी उसमें एक घूमर डांस दिखाया गया था आप बता सकती हैं कौन सी मूवी थी सर पद्मावती पद्मावत या पद्मावती पद्मावत पद्मावत <laughs> पद्मावत मूवी आपने उसमें घूमर डांस आपने देखा है मूवी मूवी देखी देखी है आपने? देखी है आपने सर नहीं पर डांस देखा है डांस देखा है आपने जी, किसने गाना गाया है उसमें सर श्रेया घोषाल और बात नहीं हाँ सही आपने आईपीएस चॉइस क्यों नहीं रखा आप तो इतना फिजिक... कुछ करना चाहती है समाज के लिए फिर आप क्या पुलिस में क्यों नहीं जाना चाहती इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करती अच्छा साक्षी आपके नाम का क्या अर्थ है सर साक्षी से मतलब है प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस कोई और साक्षी कोई और फेमस व्यक्तित्व जिसके बारे में आपको पता हो सर साक्षी मलिक भारत की एक फ्री स्टाइल रेसलर है जिन्होंने टू थाउजेंड ओलम्पिक के ओलम्पिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था अच्छा कहाँ से।, से है वो किस राज्य से हरियाणा से हरियाणा में कहां से सॉरी सर मुझे वो, नहीं, नहीं, नहीं। चलिए कोई बात नहीं अच्छा गारमेंट्स यस yes. शायद आपका परिवार गारमेंट्स के बिजनेस से या जैसा मैंने अभी पढ़ा कहीं पे गर् गारमेंट्स करके है ये क्या है गर् गारमेंट्स सर एक शॉप है हमारी रॉबर्टंज में अच्छा आपकी शॉप है जी सर तो गारमेंट के बारे में कुछ बताइए गारमेंट्स के बारे में उत्तर प्रदेश में गारमेंट्स के बारे में कुछ बताइए सर उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब कानपुर रहा है इसके अलावा हमारी एक रिटेल शॉप है संज में ही जिसमे शर्ट पैंट इस तरह के आइटम्स बेची जाती है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है सर मुंबई आप श्योर हैं यस सर और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर अच्छा मैनचेस्टर कहाँ है सर yes, कहा ये यूरोप में है मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है uh, क्यों जैसे मान लीजिए आपने मुंबई के बारे में ही कहा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या कानपुर के बारे में ही कहा तो क्यों उन्हें कहा जाता है मैनचेस्टर सर वहां पे ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास देखा गया वहां के जो लेबर थे वो उसमें स्किल्ड हो गए जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री और ज्यादा फैलती गई और एक तरह से हब बना हुआ था इस वजह से कहा जाता है यद्यपि अब ऐसा नहीं है अब देश के कई जगहों पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है और कानपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी अपग्रेड नहीं हो पाई है इसलिए धीरे धीरे कम होती जा रही है ड्रीम ऑफ वेल्थ सुना है आपने यस सिद्धांत बताइए दादा भाई नरोजी जी ने सिद्धांत दिया था इंग्लैंड डेप टू इंडिया ऐसी एक पुस्तक लिखी थी उसमें ड्रेन वेल्थ फ्रॉम इंडिया कहा था उनका कहना था कि जो अंग्रेज हैं भारत में भू राजस्व लगान इत्यादि के माध्यम से हमारी संपत्ति को विदेश लेके जा रहे हैं और इसका परिणाम ये हुआ है कि देश में प्रति, पर कैपिटल इनकम केवल बीस रूपए रह गई है इसको उन्होंने ड्रेन वेल्थ कहा था अच्छा कोई मुझे ध्यान आ रहा है डैनियल डिफो की डैनियल डिफो नाम सुना है आपने सॉरी रोबिनसन क्रूसो नहीं, नहीं सुना है ना नहीं सुना है रोबिनसन क्रूसो का भी नहीं सुना नहीं, है अच्छा चलिए कोई बात नहीं है अब मुझे एक आपने कहीं वेस्ट मटेरियल के बारे में कुछ लिखा हुआ है ठीक yes, है ना तो क्या है ये सर ये मेरी इंटरेस्ट है मैं स्कूल टाइम से ही हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे कि पेन स्टैंड बनाना है या फिर घर से जो भी वेस्ट मिलता है उससे कोई शो पीस बनाना है तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था बनाना घर में भी मैंने अक्सर अच्छा देखा था मम्मी को कि वो बची हुई उनसे एक अच्छा स्वेटर बना देती थी, थी तो ये मेरे को एक हॉबी की तरह डेवलप्ड हो गया और मैं जब भी मुझे कोई नया सामान चाहिए होता है मुझे लगता है कि मेरे पास कोई वेस्ट सामान पड़ा हुआ है जिसका यूज करके मैं बना सकती हूँ अच्छा, वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के लिए आ, अलग अलग अ, मतलब ढंग से किया जाता है डिस्पोजल कुछ पता है उसके बारे में कैसे डिस्पोजल किया जाता है जी सर इसके कई तरीके हैं जैसे एक लैंड फिल करते हैं जमीन में दबा देते हैं दूसरा इंसिनरेशन होता है कि वेस्ट मटेरियल से हम एनर्जी बना देते हैं या फिर एक अवैवी श्वसन के माध्यम से किया जाता है इसके अलावा एक फोर आवर प्रोसेस होता है जिसमें रीयूज रिड्यूज री यूज के बाद हम उसको रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं जैसे न्यूज पेपर प्लास्टिक और इससे पुनः दूसरे उत्पाद बना देते हैं कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है सॉरी सर मुझे नहीं पता इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं चलिए कोई बात नहीं एक और सवाल का मुझे जवाब दीजिए समाज शास्त्र में सोशोलॉजी में एक सोशल uh, बॉन्डिंग करके सिद्धांत है कुछ पता है उसके बारे में सब पर्टिकुलर सिद्धांत के बारे में मुझे नहीं पता नहीं। है लेकिन एज जनरल सोसाइटी में अगर देखा जाए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो इतने धर्मों जातिगत विविधता है भाषाई विविधता है फिर भी सभी एक साथ रहते हैं टॉलरेंस के साथ रहते हैं एक दूसरे के कस्टम को अप्रिशिएट करते हैं इसको मैं सोशल बॉन्डिंग के रूप में देखती हूँ चलिए ठीक अभी आपने ये आपका पहला साक्षात्कार है yes, इससे पहले आपने प्री दिया है जी सर ओके okay. अच्छा जो भी सर ने सवाल पूछा हो जिसका मैं वहीं से शुरू करता हूँ आपने कहा सभी लोग बड़े सहिष्णुता से रहते हैं मैं तो सहमत नहीं हूँ इस विचारधारा से है? आए दिन दंगे होते हैं है? थोड़े छोटे छोटे सामाजिक तनाव के ऊपर लोग उत्तेजित हो जाते हैं और सर ने भी एक सवाल इससे मिलता जुलता पूछा था कि दो अलग अलग समुदाय के लोग जुलूस निकालना चाहते हैं एक ही समय पर निकालना चाहते हैं आपने कहा कि हम उन्हें ललक टाइम दे देंगे लेकिन ये लड़ाई तो उसी बात की है साथ साथ निकालेंगे तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे ये बताइए मैं 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 आया हूं मेरे साथ एक और लोग आए हैं और मेरा टाइम तो वही है मैं तो नहीं बदलने वाला बताइए और आप उनको कहेंगे कि नहीं सब लोग प्यार से रहिए तो कहने वाली बात है मैं तो नहीं मानता कि लोग प्यार से रहते हैं तो कैसे हैंडल करेंगे आप इस सिचुएशन सर अगर वहां की मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ तो मेरे पास ऑथोरिटी है कि मैं उन दोनों को मना भी कर सकती हूँ जुलूस निकालने के लिए तो यहां पे मैं उन्हें पहले एक प्रपोजल दूंगी कि आप लोग इस इस टाइम पे निकाल लीजिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे पर अगर वो नहीं एग्री करते हैं तो मैं उन्हें, उन्हें मना भी कर सकती हूँ कि आप दोनों को ही फिर परमिशन नहीं दी जाएगी जुलूस निकालने की जब आप दोनों लोगों को मना करेंगी तो उसमें एक जो उसका आयोजक है वो वहां के जो विधायक है उनका भाई है वो वो उस कमेटी का चेयरमैन है और वो बहुत प्रभावशाली है सत्ता वक्त से उसकी सीढ़ी पहुंचे और वो आपके पास भी बैठता है उस दिन वो भीड़ उसके साथ है तो वो भीड़ को देख के और ज्यादा उत्तेजित हो गया है और वो आपसे उसका जो एक नजरी लगाव है जो आपके पास उठता बैठता है डीएम आपके पास कई बार सिफारशें लेके आया है आपने उसकी एक दो सिफारिशें छोटी मोटी मानी भी है उस दिन वो आपसे ये सिफारिश मनवाना चाह रहा है विधायक का भाई है मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले उसके यहाँ आके गए हैं बताइए अब आप कैसे मना करेंगे सर अगर उससे मेरा कोई कॉन्टैक्ट है या मैं उसको जानती हूँ तो भी एज अ डीएम मुझे सोशल परिप्रेक्ष्य में काम करना होगा मैं किसी पर्सनल के लिए काम नहीं कर सकती हूँ और अगर मुझ पे पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो मैं विधायक जी को समझा भी सकती हूँ कंडीशन से उन्हें बता भी सकती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन है और अगर ऐसी कोई घटना एक साथ जुलूस निकाला जाता है तो यहाँ पे दंगे की स्थिति बन सकती है और अगर फिर भी वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं तो मैं डिनाई कर दूंगी कि सर अच्छा किसी में एक सिचुएशन और जोड़ते हैं आपने उसको मना कर दिया वो मान गया लेकिन इन द मीन टाइम आपके जो मंडलायुक्त हैं कमिश्नर हैं जो आपसे दस साल सीनियर हैं उनका अगला रिंग आता है कहता है नहीं इसमें जो दूसरा एक जो धर्म विशेष है उसको परमिशन नहीं देनी है और इनको परमिशन देनी है इनको उसको टाल देना है तो उस स्थिति में क्या करेंगे वो तो आपको सीनियर है और वो आपसे वो आपको आदेश दे रहा है कि आप उनको उस पक्ष को दे दीजिए जो कि सत्ता पक्ष है और जो दूसरा व्यक्ति है जो कि दूसरा धर्म विशेष का उसको नहीं देना है या उसको टाल देना है कोई बहाना बना के उस स्थिति में आप क्या करेंगे और वो आपके सीनियर है इमीडिएट सीनियर है आपके आपके कमिश्नरी में ही बैठते हैं, हैं सर पहले मैं अवेयर कराऊंगी और वो वो तो 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 अपील करूंगी कि वो मुझे रिटर्न में लिख के दें और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबल फिर मैं नहीं होंगी मैं उसे, उन्हें ऐसा स्पष्ट कर दूंगी मतलब आप उन्हें बोल देंगे नाराज हो जाएंगे आपके करेक्टर रोल भी वही लिखेंगे नहीं नहीं आप सोच लीजिए आप मुझे आराम से तसली से जवाब दीजिए मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो करेक्टर रोल है जिसके आधार पर आपका अपना प्रमोशन डिपेंड करता है वो उसको खराब कर देंगे वो लिख देंगे कि सी इज अ वेरी पुअर ऑफिसर एंड सी ही विल ग्रेड यू बिटवीन वन टू फोर फोर मार्क्स विच आर वेरी पुअर फॉर योर प्रमोशन पर्पजेज

ओके okay. अच्छा एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ आपने कहा कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत प्रभावित हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़ी असफलता है अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट सफल होता तो देश बढ़ता नहीं अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को सक्सेसफुली लीड किया जाता तो सांप्रदायिकता इतनी बड़ी समस्या नहीं होती अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को और ज्यादा कलेक्टिवली कॉलेजियल वे में और अच्छी तरीके से अगर उसको लीड किया जाता तो इतने ज्यादा भेदभाव और सामाजिक तनाव नहीं होते तो दोस्तों इसका मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट तो एक असफल फिनोमिना है मैं उसको कहूंगा इट्स अनसक्सेसफुल फिनोमिना आप कैसे मुझे मुतमिन करेंगे कि वो सफल है या असफल बताइए सर इंडियन नेशनल मूवमेंट में यकीनन कुछ कमियां रही हैं संप्रदाय क्या कमियां वो बताइए क्या कमियां हैं सर सांप्रदायिक चिन्हों का प्रयोग किया गया कई बार धर्म के आधार पर तुष्टिकरण की कोशिश की गई जिसका ही परिणाम रहा कि हमें देश विभाजन देखना पड़ा लेकिन सिर्फ इस आधार पर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को कम करके नहीं आते हैं इसके बहुत ही अच्छे परिणाम रहे पहला देश को आजादी मिली है दूसरा जिन मूल्यों के आधार पर मिली है हमारे देश को ऐसा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है कि एक हमने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई है एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपने धार्मिक चिन्हों का प्रयोग हुआ तो धार्मिक चिन्हों का प्रयोग तो उन्हीं ने किया जिनको हम सबसे ज्यादा रेफरेंस देते हैं सम्मान देते हैं महात्मा गांधी से ज्यादा धार्मिक प्रतीकों

आप परसू भी कर रही हैं एम तो आप बताइए इस चीज को सर अगर मैं गांधी जी के परू से देखूँ तो ये उनका पर्सनल ट्रेड था नहीं, पर्सनल फिर तो पब्लिक हो गया वो वो मंदिर सारे लोगों को करा रहे हैं पब्लिक उस कैपेसिटी में करा रहे हैं ये बता दीजिए सर उनका इस ए... सही गलत देखने के लिए उनका उद्देश्य देखना होगा गांधी जी का उद्देश्य मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ करना था किसी धर्म का पर, आ, साथ नहीं देना था लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि इस कारण से कुछ लोगों ने इसको जातिगत धार्मिक रूप दे दिया पर गांधी जी हमेशा चाहते थे कि इस आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपस में एकीकृत किया जा सके ये उनका उद्देश्य था साक्षी तुम उत्तर प्रदेश से हो जी मैम उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है यस जिसको आपने पेट्रियार्की का नाम दे दिया पेट्रियार्की क्या हर मामले में गलत होती है पित्री सत्ता क्या हर मामले में गलत है जी मैम मुझे लगता है हर मामले में गलत है जब गॉड ने एक साथ ए, दो जेंडर बनाए हैं तो इक्वेलिटी होनी चाहिए हर परिप्रेक्ष्य में तो पेट्रियार्की का मतलब केवल अन एक सोसाइटी को आप पेट्रियार्की से जोड़ देंगे नहीं पेट्रियार्की की मैं ये मान रही हूँ कि ये देखा जाता है कि जो मेल है वो एसेट है और जो फीमेल है वो लाइबिलिटी है जो मेल है वो ज्यादा ये पेट्रीआर की एक इंटरप्रिटेशन है या पेट्रीआर अपने आप में ऐसी है मैम हम हमारी सोसाइटी में जब मेल को डोमिनेट कर दिया गया पेट्रीआर का जो डेफिनेशन है वो क्या है जी। और पेट्रीआर और मेट्रीआर अपने आप में क्या है पेट्रीआर की पितृसत्ता जहा पे पिता की सत्ता हो एक मेल की सत्ता हो यही पैट्रियार्की है वो आपको लगता है हर मामले में गलत होता है yes, अच्छा। आम, आपने हिस्ट्री की पढ़ाई की है जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किसी ने चैलेंज किया था संविधान जब बन रहा था तो सॉरी मैम इसके बारे में मुझे साक्षी अच्छा, ये बताइए हमारा जो प्रियम्बल है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के अंतर्गत उस पर तीन वर्ड जोड़े गए थे वो क्या थे पंथनिरपेक्षता लोकतंत्र गणराज मुझे ये बताइए कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था क्या जोड़ने के बाद ही भारत सेक्युलर हुआ सोशलिस्ट हुआ या उसके पहले भी था मुझे ये बताइए कि इसकी उसको जोड़ने की उस समय तात्कालिक कारण क्या था क्यों जोड़ा गया सर भारत तो हमेशा से ही एक पंथ निरपेक्ष रहा है लेकिन उसको जोड़ के एक संवैधानिक रूप दे दिया गया कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है इसका कोई धर्म नहीं है लेकिन ये हर धर्म के साथ इक्वेलिटी के साथ बिहेव करता है उसको एक डॉक्यूमेंट्री स्वरूप दे दिया गया जोड़ने से अच्छा ठीक है अच्छा आप मुझे ये बताइए की नक्सलिज्म एक विचारधारा है जी सर ये अभी जो चल रहा है भारत में इसके पीछे की विचारधारा कौन सी है वो किससे इन्फ्लुएंस विचारधारा है नक्सलिज्म सर नक्सलवाद की प्रॉब्लम एक ऐतिहासिक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है जो कि माओवाद की विचारधारा से प्रभावित थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कुछ लोग सत्ता में आते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे तो उसी में एक दल था जो इससे सहमत नहीं था और उन्होंने अलग होकर नक्सलवाद का गठन किया और ये प्रॉब्लम हमारे देश में जहां जहां देखी जा रही है उसके पीछे पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये मुख्यतः रीजन रहे हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जो नक्सल मूवमेंट चल रहा है दोनों में क्या अंतर है सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक वैधानिक रूप से अपने उद्देश्यों की मांग करती है पूर्ति करती है लेकिन नक्सलवाद हिंसा का सहारा लेता है और एक नॉन स्टेट एक्टर है दोनों के पीछे की जो एक विचारधारा है वो एक ही है कॉमन है आप कह रही है लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से है एक गैर लोकतांत्रिक तरीके जी से ठीक है मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में सुना होगा आपने yes. इसका एक मेन फोकस है कि जो पीएनडीटी एक्ट है हमारा उसके प्रोविजंस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना इसके बावजूद जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इनको चलाया गया है जो एक रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है अभी सेक्स रेशियो अभी भी वहां स्क्यूड है कुछ भी क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं आया तो क्या किस तरह की चुनौतियां हैं क्यों ऐसा क्यों जैसे एक हमने टारगेट सेट किया और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए एक प्रोसीजर डिफाइन किया फिर भी हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं उस लिमिटेड टाइम लाइन को ध्यान में रखते हुए क्या कारण है सर इसका कई परिप्रेक्ष्य में आंसर देना चाहूंगी पहले जो पीसीपी एनडीटी एक्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है उसमें जितने रिक्वायरमेंट स्टाफ और फंड की फैसिलिटीज है वो नहीं दी गई है जिसकी वजह से आज भी हर जगह पे देखा जाए अगर किसी को एबॉर्शन कराना है तो वो कुछ पैसे दे के करा लेता है दूसरी बात ये है कि हमारी सोसाइटी का जो माइंड बना हुआ है कि लड़की एक लाइबिलिटी है और अगर इसका जन्म होता है तो हमें डावरी कलेक्ट करनी पड़ेगी इसकी सेफ्टी की प्रॉब्लम होगी तो वो लडकियां नहीं लड़कियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं और एक और मुझे रीजन दिखता है कि आजकल संपन्न परिवारों में एक बच्चे या दो बच्चे की पॉलिसी देखी गई है अगर उन्हें पहला लड़का हो जाता है तो फिर वो आगे बच्चे नहीं पैदा करते हैं जिसकी वजह से भी सेक्स रेशियो पे फर्क दिखता है साक्षी आप गारमेंट बिजनेस से आपका परिवार जुड़ा हुआ है ठीक है आजकल इंडिया साइज की चर्चा बहुत हो रही है क्या है इंडिया साइज सर हमारे देश में गारमेंट इंडस्ट्री हमेशा से ही हथकरघा उद्योग बहुत ही उन्नति पे रहा लेकिन कभी भी इसके ब्रांडिंग नहीं की गई हमारे जितने भी मेटेरियल्स होते हैं इनके अपने साइज नहीं डिसाइड किए गए जैसे हम विदेशी ब्रांड देखते हैं उनमें पर्टिकुलर साइज डिसाइडेड होता है जिससे विदेश में कहीं भी किसी को खरीदना होता है तो उसको साइज के आधार पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम एक वास्ट मार्केट को कवर कर सकें किस तरह से कोशिश हो रही है सर इसमें इंडिया साइज बनाया जाएगा कि हम अपने मानकों के आधार पे 30, 32 जो भी साइज है उनको डिफाइन करेंगे और उसको एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करेंगे ताकि जो परचेस कर रहे हैं उन्हें आसानी हो ऑनलाइन भी परचेज कर रहे हैं तो उन्हें आसानी हो इन तीन देशों का नाम बताएं जहाँ ऑलरेडी स्टैंडर हो चुका है सॉरी सर मुझे नहीं पता बहुत बहुत धन्यवाद आप